दोस्तों आज है एक्सपायरी डे और आज हम एक्सपायरी यहाँ ट्रेड करने वाले हैं। दोस्तों हम कॉल एंड पुट दोनों को ही बाय करेंगे और देखेंगे क्या होगा। दोस्तों जो हम ट्रेड लेंगे वो निफ्टी में लेंगे। निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट हमने ऐड किए हुए हैं, 18,150 का पुट हमने ऐड किया है, 18,200 का कॉल हमने ऐड किया हुआ है। और दोस्तों हम दोनों को बाय करें तो एंड द एंड जब एक्सपायरी होगी तो क्या होगा ये हम देखेंगे, ठीक है। एंड दोस्तों हम ये दोनों को ही बाय करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो रिस्क होगा दोस्तों, रिस्क कितना होगा, ये जो हम प्रीमियम पे करेंगे दोनों को बाय करने में, वो हमारा मैक्सिमम रिस्क होगा। तो दोस्तों अभी जैसे कि 17 पॉइंट ये चल रहे हैं, अगर हम दोनों को ऐड करें तो 17 पॉइंट बैठते हैं, तो हम इसी के आसपास बाय कर लेंगे। जैसे कि अभी 8 और 8 16 के पॉइंट के आसपास चल रहा है, 16 से 17 पॉइंट, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम 16 प्लस माइनस करें 1, तो लगभग 17 या 18 पॉइंट जो भी मिलेंगे हम उस पर बाय कर लेंगे। अभी फिलहाल 15 पॉइंट मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कम रिस्क रहेगा। पर अब हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि 2:14 हो चुके हैं। जैसे ही 2:15 होंगे तो हम अपनी बाइंग वाली एंट्री यहाँ बना लेंगे, ठीक है। दोस्तों ये जो वीडियो है वो खाली लर्निंग पर्पज़ के लिए है, कोई ऐसा ट्राई ना करे क्योंकि इसमें मैक्सिमम लॉस के चांस भी होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हमारे जीरो भी हो सकते हैं। कैसे जीरो होंगे वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों दोनों 2:15 हो चुके हैं, तो हम बाइंग स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल देखें तो अभी हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है, ये हमारा पहला ट्रेड यहाँ होने वाला है जीरोधा में। एंड दोस्तों यहाँ देखें तो अभी कॉल के प्राइस कम चल रहे हैं और पुट के प्राइस ज़्यादा चल रहे हैं, इट मीन्स जो तो मार्केट है वो गिरने वाला है। अगर निफ्टी 50 देखें तो स्पॉट देखें 18,170 के आसपास चल रहा है, 18,163 हो गया है अब, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि 18,200 कॉल अब 6 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, तो पहले हम कॉल को बाय करते हैं। और दोस्तों एक साथ बाय करना है, लगभग ज़्यादा गैप नहीं करना, और हम ओवरनाइट मार्केट भाव पे ही बाय कर लेते हैं। और ये हमने स्वैप टू बाय कर दिया और ये हमारा बाय हो चुका है। दोस्तों ये जो हमारा बाय हुआ है 6.880 के भाव पर बाय हो चुका है। अब दूसरा हम पुट को बाय करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम थोड़ा देर करें तो जो प्राइस है ऊपर नीचे काफ़ी हो जाते हैं। वैसे इसका प्राइस कम हो जाए तो हमें ही बेनिफिट होगा, बट अगर एकदम से प्राइस बढ़ जाता है पुट का तो जो हमने कैलकुलेट किया है वो हमारा प्रीमियम बढ़ जाएगा और हमारा रिस्क भी बढ़ जाएगा। फिलहाल देखें तो अभी 10 पे आ चुका है, 10.4, 10.85, और दोस्तों 11 पे आ चुका है, तो जल्दी से बाय करते हैं अदरवाइज प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए 13 पे आ चुका है तो हम यहीं बाय कर लेते हैं, क्योंकि क्या है ना, प्राइस नीचे गिर रहा है, मतलब निफ्टी नीचे गिर रहा है, तो उस केस में पुट के प्राइस बढ़ रहे हैं। आपने देखें तो 12.65 पे हमारा पुट बाय हुआ है और 6.80 पे हमारा कॉल बाय हुआ है। तो हमारी दोनों ही बाइंग पोजीशन यहाँ हो चुकी हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो देखेंगे एट द एंड क्या होगा। जैसे 2:22 यहाँ हो चुके हैं और अभी हमें स्क्रीन पर 130 रुपये के आसपास का लॉस दोस्तों यहाँ देखने को मिल रहा है। ये देखिए लॉस हमारा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों लॉस क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी का टाइम नज़दीक आता जाएगा ये प्रीमियम अपना खोता जाएगा, क्योंकि क्या है अगर मार्केट मूव नहीं किया और इसी में रह गया तो ये दोनों के प्रीमियम हमारे जीरो हो जाएंगे, और जो भी हमने पे किया है इन प्रीमियम्स को बाय करने के लिए वो हमारा जीरो हो जाएगा और हमें लॉस हो जाएगा। फिलहाल जो रेंज है हमारी 18,150 से 18,200 की रेंज है, जैसे कि पुट जो है हमारा 18,150 का है और कॉल जो है हमारी 18,200 की है। तो दोस्तों अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है तो हमें पक्का यहाँ लॉस होने वाला है, बट अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे पुट की डायरेक्शन में हो, मतलब बेयरिश हो चाहे बुलिश हो, अगर इस रेंज से बाहर निकल जाता है तो उस केस में हमें प्रॉफिट यहाँ होने वाला है। फिलहाल दोस्तों जो हमारा लॉस है वो बढ़ के 300 रुपये के आसपास यहाँ हो चुका है। दोस्तों हमारा इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं है, जो भी हमें लॉस होगा वो हमने जो प्रीमियम पे किया है वो हमारा मैक्सिमम लॉस है। दोस्तों जो बिगिनर्स हैं वो उसे ज़रूर देखें कि ये क्या होता है कि हम जब बाय करते हैं तो कब जीरो हो जाते हैं। दोस्तों एक्सपायरी वाले दिन ये जीरो हो जाते हैं, जैसे कि 18 मई की आज एक्सपायरी है और इनके कॉन्ट्रैक्ट हमने बाय किए हुए हैं, तो ये अगर इसी रेंज में रहते हैं तो ये हमारे बाय जो किया है वो जीरो हो जाएगा, मतलब अगर ये आउट ऑफ द मनी रह गए तो ये हमारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल देखें तो दोस्तों 2:27 हो चुके हैं और जो हमारा लॉस है 327 रुपये के आसपास का यहाँ हो चुका है। देखते हैं दोस्तों हमें प्रॉफिट होगा लॉस, ये कब तक हमें पता चलेगा। दोस्तों ये हमें नहीं पता चलेगा, ये जब पता चलेगा कि जब मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो जाएगा तभी हमें प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है तो पक्का ही हमें यहाँ लॉस होने वाला है। तो ये देखिए कभी प्राइस कम हो रहे हैं कभी ज़्यादा, बट जो कॉल के प्राइस हैं वो 6 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, बट पुट ने अपने प्रीमियम जो है वो टूट चुके हैं उसमें, क्योंकि हमने 13 रुपये के आसपास बाय किया है और अब ये 9 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये ऐसे ही चल रहा है।
दोस्तों जैसे कि हमने पुट को बाय किया है, अगर पुट मतलब मार्केट गिरेगा और 18,150 से नीचे चला जाता है तो उस केस में प्रॉफिट यहाँ बढ़ने लगेगा, और 18,200 से मार्केट ऊपर निकल जाएगा तो उस केस में हमें कॉल में प्रॉफिट होने लगेगा, और दूसरा जीरो हो जाएगा। जब एक जीरो हो जाएगा तो दूसरे के प्राइस बढ़ने लगेंगे और हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट दोस्तों यहाँ हो सकता है। अनलिमिटेड मतलब जितना मार्केट मूव करेगा उतना हमें ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ होगा। तो दोस्तों कुछ लोग यहाँ सेल करके भी चलते हैं, प्रीमियम बुक खाते हैं अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है, जैसे कि मॉर्निंग में से रेंज बाउंड है तो उस केस में सेलर्स पैसा कमाते हैं, क्योंकि अगर रेंज बाउंड रह जाता है तो वो सबके प्रीमियम जो है वो खाते जाते हैं और उन्हें प्रॉफिट होता जाता है। बट हम यहाँ बाइंग करके चल रहे हैं तो हमें यहाँ जब प्रॉफिट होगा जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा और हमें प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो टाइम है वो 3 बज चुके हैं और जो हमारा लॉस है दोस्तों 500 रुपये के आसपास यहाँ आ चुका है, और जो पुट के प्राइस हैं दोस्तों 10 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं, और जो कॉल का प्राइस है लगभग लगभग जीरो यहाँ होने वाला है, लगभग 90 पैसे यहाँ दोस्तों पहुँच चुका है। दोस्तों अगर मार्केट अभी भी ट्रेंडिंग नहीं हुआ ना तो हमें पक्का यहाँ लॉस होने वाला है, और दोस्तों अगर हमें थोड़ा सा और लॉस हमारा बढ़ेगा तो दोस्तों हम एग्जिट कर देंगे, अदरवाइज हमारे जो भी पैसे हैं सारे जीरो यहाँ हो सकते हैं, क्योंकि जो हमने प्रीमियम पे किया है लगभग लगभग हमने पे किया है 12 और 6, 18, 19 पॉइंट का प्रीमियम हमने पे किया है, लगभग लगभग हमने 1,000 रुपये 950 रुपये दोस्तों यहाँ पे किए हैं इस ट्रेड में, और लगभग लगभग हमें आधा यहाँ लॉस यहाँ हो चुका है। वो 3:01 हो गए हैं। जो दोस्तों जो हमें यहाँ लॉस अभी हो रहा था वो हमारा थोड़ा कम हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी 150, 100 रुपये, 90 ये ऐसे आ चुका है। ठीक है, अब पुट के प्राइस दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 70 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब पुट के प्राइस बढ़ रहे हैं, इट मीन्स मार्केट जो है वो गिर रहा है और वो 150 की रेंज से नीचे जा चुका है या लगभग 150 के आसपास ही है। ठीक है, अगर दोस्तों मार्केट और गिरेगा तो उस केस में पुट के प्राइस और बढ़ेंगे, और आप कॉल के प्राइस देख सकते हैं बिल्कुल जीरो के आसपास यहाँ पहुँच चुके हैं, 40 पैसे पे दोस्तों आ चुका है कॉल के प्राइस यहाँ पर, और जो हमें ओवरऑल लॉस है अभी देखिए 355, 310 दोबारा से यहाँ पहुँच चुका है, क्योंकि पुट के प्राइस यहाँ कम हो रहे हैं। दोस्तों जैसे ही ऊपर नीचे होता है उस केस में हमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही स्क्रीन पर दिखने लगते हैं। 3:03 हो चुके हैं दोस्तों, 3:15 तक मैक्सिमम वेट कर सकते हैं अगर हमें लॉस ना हो, बट अगर पक्का मार्केट नहीं गिरेगा तो पक्का हमें यहाँ लॉस होने वाला है। फिलहाल अभी भी हम ट्रेड में यहाँ बने हुए हैं और हमें ज़्यादा लॉस दोस्तों यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 200 रुपये तक का लॉस है दोस्तों, थोड़ा वेट करते हैं फिर हम आते हैं। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं 3:08 हुए हैं और हमारा प्रॉफिट दोस्तों यहां बढ़ चुका है, 700 रुपये तक का प्रॉफिट दोस्तों यहां नजर आ रहा है स्क्रीन पर, और यहां पुट के प्राइस दोस्तों यहां तेजी से बढ़ने लगे, आप यहां देख सकते हैं 34, 35 अभी 36 हो चुका है और अब 38। दोस्तों पुट के प्राइस बहुत तेजी से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ जो है मार्केट गिर रहा है, उस केस में जो पुट के प्राइस है वो धीरे धीरे यहाँ तेजी से बढ़ रहे हैं, और दोस्तों जैसा कि हमने 12 रुपये बाय किया था अभी 38 का भाव दोस्तों चल रहा है, तो 3 गुना पुट का प्राइस यहाँ हो चुका है और स्क्रीन पे हमें 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दोस्तों नजर आने लगा। तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो अचानक हाथ से निकल भी जाता है, बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है मार्केट और जो प्रॉफिट दिख रहा होता है वो हाथ से निकल जाता है। तो दोस्तों जैसे ही प्राइस अगर कम होते हैं, प्रॉफिट कम होगा तो हम यहाँ से एग्जिट यहाँ कर देंगे और प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। आप यहाँ देखिए 700 रुपये प्रॉफिट जा चुका है, तो दोस्तों हम जल्दी से यहाँ से बुक करते हैं और यहाँ सबसे पहले हम पुट से एग्जिट करते हैं, स्वाइप टू सेल दोस्तों यहाँ कर देते हैं, 36 का भाव यहाँ चल रहा है और ये हमने सेल कर दिया, और साथ ही साथ आपको दूसरा भी एग्जिट यहाँ कर देना है और हम कॉल से भी एग्जिट कर देते हैं, लगभग लगभग वो जीरो ही हो चुका है, और ओवरऑल दोस्तों देखें तो 812 रुपये का दोस्तों हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों एक बार हमारा 550 रुपये तक का लॉस यहाँ जा चुका था, बट हमारा जो प्रॉफिट है वो 812 रुपये दोस्तों यहाँ हुआ है। 3:10 हुए हैं और मार्केट ट्रेंडिंग हुआ और उस केस में हमने प्रॉफिट को यहाँ बुक कर लिया। ठीक है, और दोस्तों 950 रुपये ही लगे थे और हमने 800 रुपये का प्रॉफिट यहाँ बुक किया। अभी आप देखें 3:21 हो चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो निफ्टी है वो 18,139 पे ट्रेड कर रहा है, और जो दोस्तों पुट का प्राइस है वो 18 रुपये पे आ चुका है। बहुत तेजी से प्राइस जो बढ़े थे वो एकदम से कम हो गए हैं, दोस्तों हमने सही टाइम पर अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया 36, 37 के भाव पे, और आप यहाँ देखें तो काफी कम प्राइस यहाँ हो चुका है वो 3:22। तो दोस्तों लगभग लगभग क्लोजिंग यहीं पे होने वाली है, बट जो हमारा प्रॉफिट है वो 812 रुपये का यहाँ हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कॉल एंड पुट को बाय करेंगे तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट कभी कभी देखने को मिल सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।